नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उपद्रव 22 गांव के नृत्य करेंगे मराठी सिनेमा में पर्दावन। संगीत की दुनिया में भगवान जैसे यशवंत देव इन्होंने हम सबको अलविदा कहा। अब खबरें विस्तार से। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से पहुंचाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके स्मारक का लोकार्पण तैयारी के विरोध में गांव वाले स्मारक के परिसर में रहने वाले 22 गांव के नागरिकों ने इस स्मारक लोकार्पण के खिलाफ आवाज उठाई है और इस विरोध के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को खुला पत्र भी भेजा है। इस समारोह के लिए अगर मोदी मौजूद हो जाए तो भी गांव वाले उनका स्वागत नहीं करेंगे। ऐसे क्यों कहा ये भी हम आपको बता दें। कई गांव के लिए जीने के लिए सहारा है। यह जमीन सरदार परिसर में बड़े जंगल, नदियां, झरने, जमीन और खेती, उनका काम, व्यापार सब इन्हीं पर निर्भर है। अगर ये सब नष्ट हो जाए तो भी इस स्मारक के लिए तो गांव वाले जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो जिंदा होते हुए भी मर जाएंगे। यह स्मारक उत्सव नहीं, कई गांव का मरण दिवस होगा। ऐसा पत्र मोदी को लिखा गया। हमारी यही दरखास्त है कि ये सारी संपत्ति नष्ट न हो। इस तेलुगु फिल्म के बाद अब संजय दत्त मराठी फिल्म में पर्दापन करेंगे। यह फिल्म संजय दत्त प्रोडक्शन हाउस के हस्ते मराठी फिल्म निर्माता दत्त बनेंगे। मशहूर संगीतकार गीतकार यशवंत देव इनका निधन हो चुका है। उम्र के 91 वर्ष में इन्होंने अंतिम सांस ली। गए कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।